बरेली के नावल्टी चौराहे स्थित मशहूर रेस्टोरेंट त्यागी पूली वालों के लिफाफे संग गुरुवार को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दिखाया जा रहा है कि त्यागी की पूली में छिपकली निकली है। इस वीडियो के वायरल होते ही बात खाद्य विभाग तक पहुंच गई, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट रेणु सिंह ने तत्काल प्रभाव से जाँच करने और सैंपल भरने के आदेश जारी कर दिए। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि 24 घंटे से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद शुक्रवार को FSO मोनिका गुप्ता, FSO विनय कुमार और करण सिंह की टीम सैंपल लेने पहुंची, जबकि इतनी बड़ी सूचना मिलने के बाद तत्काल टीम पहुंचनी चाहिए थी, जिससे कुछ भी बदला ना जा सके। फिलहाल टीम ने बने हुए सामान सहित कई सैंपल लिए हैं। वहीं दूसरी ओर दुकान के संचालक डी के त्यागी ने बताया कि उनकी दुकान को बदनाम करने के लिए किसी ने साजिश रची है। जानना चाहेंगे डी के त्यागी, ये शॉप आप ही की है त्यागी रेस्टोरेंट के नाम से, ये क्या मामला है जो आप बताया जा रहा है, जो वीडियो वायरल हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? हमें तो मीडिया के द्वारा पता चला जी, जी हमारे पास कोई कस्टमर नहीं है, सीसी कैमरे लगे हैं हमारे यहाँ, अगर किसी को शिकायत थी हमारे यहाँ सामान लेकर आता, हमें दिखाता, हमें नहीं पता चला, हमें मीडिया द्वारा पता चला कि आपके यहाँ ये कंप्लेंट है। और वो घर की बता रहे हैं कि मैं पैकिंग ले गया था, आज जनवरी का मौसम है, जनवरी के मौसम में छिपकली पुली कहीं नहीं होती, ये आपके घर में, आप ही अपने घर में ले गए, ये हम नहीं जान सकते, ये हमारी रेस्टोरेंट को बदनाम करा जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। और क्या कह सकते हैं, आप हमारे यहाँ किसी के घर में, किसी के रेस्टोरेंट में मुझे आज इस मौसम में छिपकली दिखा दें, छिपकली पूरी में कैसे निकल जाएगी, पूरी दवाई का आदमी कारीगर हाथ से बना रहा है, पूरी बनने के बाद हाथ में आएगी, पूरी पूरी में छिपकली बता रहे हैं, छिपकली पूरी में कारीगरों को बनाते हुए दिखती या नहीं दिखती, आप खुद समझदार हैं, मैं इधर को देखा।